नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेंशन सेक्टर में 74% एफडीआई की तैयारी, मानसून सत्र में सरकार ला सकती है विधेयक। खरीफ की फसल की बुआई तेजी पर, इस बार रकबा 16.4% बढ़ी। वैश्विक बाजारों में पीली धातु में रही नरमी के बीच घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भाव बढ़ गए हैं। एमसीएक्स वायदा बाजार में आज सोना 127 रुपए यानी 0.27% बढ़कर 40,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोना मिनी भी 108 रुपए यानी 0.23% मजबूत होकर 40,452 रुपए प्रति 10 ग्राम पर लौट गया। इस दौरान चांदी 189 रुपए यानी 0.28% उछल कर 67,172 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बिकी है। चांदी मिनी भी 206 रुपए बढ़कर 67,227 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हाजिर $1.35 टूट कर $1,742.80 प्रति औंस पर रहा, जिनका अमेरिकी सोना वायदा भी 1.60% की बढ़त लेकर $1,749.20 प्रति औंस बना गया। इस दौरान चांदी हासिल $25.23 प्रति औंस के भाव पर स्थिर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संकट के बाद भी खरीफ की फसल की बुआई तेजी पर है। अगर बात पिछले साल खरीफ की बुआई से करें तो इस बार रकबा 16.4% बढ़ चुका है। पिछले साल 67.8 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। खरीफ फसल मार्च से मई के बीच बोई जाती है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल अच्छी बारिश होने की वजह से इस बार जमीन में नमी मौजूद है और यह फसलों के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। पिछले 10 साल के औसत की तुलना में इस बार देश के जलाशय 21% तक अधिक भरे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार देश में बंपर कृषि उपज हो सकती है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल दालों का रकबा 51% तक बढ़ा है। इस बार तिलहन की बुआई 8.68 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि धान की बुआई का रकबा 7.6% बढ़कर 38.80 लाख हेक्टेयर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। हर एक चीज का अपना ही एक मौसम रहता है और उसी के अनुसार उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इस समय अचार वाली लाल और हरी मिर्ची की बहुत अधिक डिमांड बढ़ गई है। घरों में इस मिर्ची से जहां अचार बनाया जाता है, वहीं होटल वाले इसे पकौड़े में काफी उपयोग करते हैं। अब यह थोक में जहां 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है, वहीं जिले में इसके भाव 60 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। अचार के साथ शादियों में पकौड़े के लिए अधिक उपयोग किए जाने के चलते इसकी अच्छी मांग चल रही है। पहले यह लोकल में कोराडी के पास के गांव में हुआ करती थी, लेकिन अब इसका पट्टा खत्म हो गया है। इसके चलते बाजार में लाल और हरी मिर्ची की आवक बुलढाणा से हो रही है। मार्केट में इसकी आवक कुछ ही समय के लिए होती है, बाकी फिर परे वर्ष पर बारीक हरी मिर्ची की आवक जारी रहती है। इस मिर्ची को लोग पकौड़ा मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। तीखी कम होने के चलते इसे पकौड़े में अधिक उपयोग किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। क्रूड ऑयल में सोमवार को तेजी दिखी, इसकी वजह अमेरिका में क्रूड की मांग बढ़ने की उम्मीद है। वहां गर्मी का मौसम नजदीक आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका में टीकाकरण तेजी से चल रहा है, इससे वहां क्रूड की मांग बढ़ने के आसार है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 25 सेंट यानी 0.4% चढ़कर $63.20 प्रति बैरल था। यूएस क्रूड 17 सेंट यानी 0.3% चढ़कर $59.49 प्रति बैरल था। अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण पूरा हो गया है। यूरोप में भी नए मामलों में कमी आ रही है, वहां लॉकडाउन का फायदा दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जा सकता है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% करने के संशोधन को संसद ने पिछले महीने ही मंजूरी दी है। बीमा अधिनियम 1938 में इससे पहले 2015 में संशोधन कर एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% किया गया था। इससे इस क्षेत्र में 5 साल में 26,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था।
सूत्रों ने बताया है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके जरिए पेंशन क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेंशन सेक्टर में 74% FDI की तैयारी, मानसून सत्र में सरकार ला सकती है विधेयक। खरीफ की फसल की बुआई तेजी पर, इस बार रकबा 16.4% बढ़ी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।